नहीं दोस्तों, तो क्या गजब का सेमीफाइनल गेम हुआ। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताइए कि किसने किसने किसकी किसकी बीच में फटी थी, और जिसकी जिसकी फटी थी उसमें कितने लोगों ने मैच देखना बंद किया था। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप लोगों में कितने लोगों ने ऐसा काम किया कि अच्छा अभी मैच देखना बंद कर देते हैं तो विकेट मिल जाएगा, हो सकता है, और जब जब आपने मैच देखना बंद किया है तब तब विकेट गिरे हैं तो इंडिया को विकेट मिले और इंडिया अल्टीमेटली जीत गई। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ, सच बात बताऊं, 220 जब क्या 220 पे 120 क्या राउंड, जब खाली दो ही विकेट थे और डैनियल मिचेल और केन विलियमसन जो है वो दोनों, उनकी जो पार्टनरशिप हो गई थी राइट, तो वो जो केन विलियमसन उसकी जो पार्टनरशिप हुई वो मतलब मेरी चोक ले ली थी। और जिसके जिसके साथ ऐसा हुआ है, जिसने जिसने टीवी बंद करके अपना टीवी बंद किया है, या जिसने भी जो भी बंद किया है मैच जिताने के लिए कैसे भी करके कि इंडिया जो है विकेट गिरना शुरू हो जाए, सारे मनहूसों और सारे पनौतियों को 21 तोपों की सलामी, ठीक है, सब के सब बैठ के फाइनल में गलती से भी जाके मुंह उठा के देखना मत गेम को, ठीक है। साला मेरी हालत खराब हो गई थी, मैंने कहा यार क्या ये लोग हमेशा की तरह आके सेमीफाइनल में आके इनकी चोक ले लेती है, इनको कुछ कोई टाइम नहीं मिलता। लेकिन 397 जो बनाया था तो उससे मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ मतलब अनहोनी होनी तो नहीं चाहिए। 397 काफी बड़ा टारगेट होता है बनाने के, जीतने के लिए, मतलब चेस करने के लिए। बट ये बात तो माननी पड़ेगी कि मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि काफी लोगों ने जो है बीच में मैच देखना छोड़ दिया था। इनफैक्ट मैं तो जो है जब मैंने कहा कि चलो जरा ये हो गया है, इतना कांड हो गया है तो अब जरा एक आध जो देखूं यूट्यूब पर क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या सीन चल रहा है, तो वहां पे मुझे फिर पठान भाई दिखे हमारे, तो मैं पठान भाई का वीडियो देख रहा था तो पता चला, अभी उस पर आते हैं, बट उस पर पता चला कि पठान भाई को पता चला कि पठान भाई ने खुद उन्होंने खुद पठान भाई ने खुद वीडियो देखना बंद कर दिया था। उसने भी बंद कर दिया था वीडियो देखना। अभी उसका वीडियो मैं दिखाता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। और तो जिसने भी बंद किया था भाई, सबको सलूट है, सबको जो है 21 तोपों की सलामी। आप लोग जिस हिसाब से मस्त एकदम टीवी बंद कर करके सैक्रिफाइस करने कर करके आप लोगों ने जिताया है वो गजब था, काबिले तारीफ है। और सारे मनहूस सारे पनौतियों को जो जनहित में जो है ये बात जारी की जा रही है आप लोगों के लिए कि फाइनल में गलती से भी टीवी के आगे बैठना मत, समझे। सब लोग जो है टीवी अपना बंद कर देना, फोन पे देखते तो फोन फेंक देना, लेकिन कोई देखेगा नहीं, सब के सब जो है बंद करो, जिसने मनहूस पनौती लोग हो। वैसे ही साला जो है हमारे पड़ोसी मुल्क और मनहूस पनौती है, वो तो ये तो सब जो है कुछ लोग तो टिकटॉक पे सारे कुछ पाकिस्तानी जो थे टिकटॉक पे बैठ के क्या ख्याली पुलाव पका रहे थे कि वो टिकटॉक पे वीडियोस पोस्ट कर रहे थे जो इंडिया के अब तक की जो लास्ट जो लॉसेस हुए हैं सेमीफाइनल्स के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो सब दिखा दिखा के उसी में खुश हो रहे थे कि कैसे देखो इंडिया को लॉस मिला, ओ इसकी ठुकाई हो गई, इसकी पिटाई हो गई, ओ तो ये सब जो ये लोग हरकतें करते हैं ना चीप टाइप की, तो ये लोग वो करने में बिजी हो गए थे। तो अभी जितने लोग जो है जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं मतलब जिन्होंने किया उन सबके मुंह पे जो है अभी कालिक लग गई होगी मस्त एकदम जो है। और क्या बोलूं मतलब अभी तो कुछ ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। वैसे वो जो पार्टनरशिप थी आई थिंक कि मतलब ये तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला था कि न्यूजीलैंड और इंडिया का होने वाला है सेमीफाइनल, चार टीम बुक हो गई थी सेमीफाइनल के लिए। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का होने वाला सेमीफाइनल राइट, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा अल्टीमेटली, ठीक है। ये हुई ये कहानी है पूरी पूरी, ये मुझसे लिख के लीजिए। और जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात है तो इंडिया मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को प्यार चेहरा देगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक कुछ खास है नहीं, तो जिस हिसाब से इंडिया की बैटिंग लाइन चल रही है उसको ध्यान में उसको तो देखकर तो यही लग रहा है कि ये लोग एक्चुअली जो है वो आपका उसका बदला लेंगे। ये मुझे लगता है कि ये लोग
जब 2003 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, 2003 का वर्ल्ड कप का बदला लेंगे, जब 2003 में जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया ने 350 बना दिए थे और इंडिया का 230 पर ही ऑल आउट हो गई थी उस टाइम। खाली सहवाग ने 80 रन करीब बनाए थे। मैंने देखा था वो गेम देखा था मैंने। मैं सोच रहा था, मैं तो उस गेम में मैं मना रहा था कि यार किसी तरीके से बारिश वारिश हो जाए तो मैच रद्द हो जाए। चलो कुछ देर के लिए बारिश हुई भी थी लेकिन मैच जो रद्द नहीं हुआ। तो खैर, तो भाई जितने भी आप मनहूस पनौती आप लोग जितने भी हो, सबके सब मैच मत देखना फाइनल में, ठीक है ना, ताकि लोग जीत जाए। Okay. तो आइए थोड़ा सा लो जरा पठान भाई के वीडियो देखते हैं। मैं जिस वीडियो की बात कर रहा था, मुझे उसको देखने में मजा आया क्योंकि उसमें थोड़ा सा काफी समय से इसको इस पर एक अपना एक रिएक्शन देने की बात कर रहा था क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इम्पोर्टेंट क्यों है वो मैं अभी एक बार आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो हम लोग आइए मुद्दे की बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। Okay. तो ये है वीडियो, ये पठान भाई ने मेरे ख्याल से फाइनली भाई फाइनली 12 साल के बाद हिंदुस्तान आ चुका है फाइनल में। फाइनली भाई साहब फाइनली। वाह रे भाई वाह 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 वा, क्या खेला है भाई, क्या खेला है भाई। बीच में तो मैच छोड़ के भाग गया था लेकिन दोबारा आना पड़ा भाई। एक डांस भाई पूरे हिंदुस्तान के लिए और स्पेशली भाई मोहम्मद शमी के लिए। वारे लाले जीत गए भाई, जीत गए भाई। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने देखा ना, मैंने कहा था नहीं वो ये भी छोड़ के भाग गया था बीच में क्योंकि विकेट नहीं गिर रहे थे। फाइनल में भाई आ गए, फाइनल में बल्ले बल्ले। अरे भाई यकीन करो भाई, ये मैच नहीं देखा जा रहा था भाई। जब 30-32 ओवर तक पहुंचा भाई, अपने दिल की धड़कने ना तेज हो गई थी। मैं यकीन करें मैंने मैच बंद कर दिया। लेकिन जब पता चला कि एक विकेट गिर गई, फिर मैंने कहा नहीं अभी नहीं देखूंगा भाई। जब दूसरी विकेट गिरी मैंने कहा थैंक्स गॉड भाई, हाथ पकड़ के मैं यहाँ पे दुआएं कर रहा था भाई हिंदुस्तान की टीम के लिए। और मोहम्मद शमी की क्या बॉलिंग भाई, एक मोहम्मद शमी पूरे न्यूजीलैंड की टीम पे भारी पड़ा है। अभी बताता हूँ एग्जैक्टली जो है यही मेरे साथ हुआ, ठीक है। मैं जब एक बार विकेट गिरा है उसके बाद मैंने कहा अब मैं नहीं देखूंगा। मैं बंद किया टीवी और मैं उठ के चला गया वहां से। लेकिन जो भी मैं आपको सच बात बताता हूँ क्या हुआ, देखिए मेरे दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम जब मैंने देखा है, ठीक है। जब मैंने देखा शुरू शुरू में, तो जब मैं सिराज को बॉलिंग करते देख रहा था, जिस तरीके से वो बॉल को ऑफ स्टंप पे डाल रहा था, इतनी लूज टाइप बॉलिंग कर रहा था कि छक्के चौके पड़ रहे थे, एक एक ओवर में 20-20 रन पड़वा रहा था, तो मुझे एक बार लगा कहीं यार ये लोग मैच फिक्स तो नहीं कर दिया इसने, इतने कैजुअल तरीके से जो है बॉलिंग कर रहा है बंदा ये। मुझे तो यहां तक आ गया कि यार कहीं से मैच फिक्स न कर दिया हो, पर चलो ऐसा हुआ नहीं था। आई एम ग्लैड आई वाज रॉन्ग। और लेकिन शमी की बॉलिंग में भी मैं तो बार बार वो कैच उठाता था, उठा के मारता था, मार रहा बाउंड्री पे कैच हो रहा है, और जब शॉट देखता था मेरे दिल की धड़कन रुक जाती थी, यार छक्का पड़ा क्या ये भी, आज इसका भी दिल खराब हो गया है। लेकिन गनीमत की सब विकेट मिल रहे थे। 7 विकेट ली हैं भाई, 7 विकेट ली हैं मोहम्मद शमी ने। कॉन्ग्रेचुलेशन हिंदुस्तान वालों, ये आप लोग ही कर सकते हो, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की टीम है तो दुनिया में ये क्रिकेट है। ये हिंदुस्तान की टीम नहीं होगी ये क्रिकेट नहीं चलेगा दुनिया में, ये नहीं चलेगा ये दुनिया में। क्या बोला था आप लोगों से कि ये वर्ल्ड कप हिंदुस्तान का है। न्यूजीलैंड भाई सारा बदला ले लिया हिंदुस्तान वालों ने यार, फैंटास्टिक भाई फैंटास्टिक यार, क्या मैच था। देखिए वन साइडेड मैच तो आपको भी पसंद नहीं आता, हमें भी अच्छा नहीं लगता, हमेशा हम यही बोलते हैं यार ये वन साइडेड मैच है। लेकिन कभी कभार मैच इतना हार्ड हो जाता है कि जो हमारे जैसे हार्ड पेशेंस होते हैं भाई वो नहीं देख पाते। आज तो भाई एक सेकंड के लिए ऐसा लगा
कि बस ऐसा ही, बस मैं इमोशनल हो गया, मेरे आंसू निकलने का ही देर था, लेकिन भाई दोबारा जिस तरीके से कमबैक किया है, आई लव यू भाई मोहम्मद शमी ने, भाई क्या बॉलिंग कराई है मेरे भाई, क्या बॉलिंग थी मोहम्मद शमी की भाई। आज तो जब तक ये डेरिल मछली खड़ा हुआ था, मेरे को लग रहा था कि अगर 450 भी हिंदुस्तान बना लेता, अगर विकेट नहीं गिरी तो ये चेस कर लेगा, लेकिन भाई डेरिल मछली को भी आउट ही कर दिया फाइनली। और जडेजा के 3 कैच भाई कंटिन्यू जो पकड़े हैं आज भाई, इतना ज्यादा खुश हूं मैं, इतना ज्यादा खुश हूं मैं, आप लोगों को बता नहीं सकता। दुनिया में वो सारे लोगों के लिए ये एक खुल्लम खुल्ला चैलेंज है हिंदुस्तान की टीम इस वक्त। कल आपको पता है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है, वो लोग आज से घबरा रहे हैं। वो इस वजह से नहीं घबरा रहे कि कल कौन निकलेगा फाइनल में, वो घबरा इस वजह से रहे अगर फाइनल में निकल गए तो टुकाई करेगा हिंदुस्तान, ये कप हिंदुस्तान का है, किसी के बाप में दम नहीं, तो हिंदुस्तान से ये कप जीते। पाकिस्तानियों आओ सालो, अब तुम्हारे बाप ने जो है टोक दिया है न्यूजीलैंड को, चली गई है जो है फाइनल में। अब बताओ पाकिस्तानियों कौन सी जगह सूझ रही है आप, अब टिकटॉक पे वीडियो नहीं बनाओगे पाकिस्तानियों कौन सी जगह आपकी जल रही है सच बता। वेल डन भाई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं भाई, बहुत ज्यादा खुश हूं। यकीन करें अगर अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में निकल जाती मुझे इतनी खुशी नहीं होती। आज का मैच हर हाल में जीतना था हिंदुस्तान को, आज का मैच अगर हिंदुस्तान न्यूजीलैंड से दोबारा हार जाता तो मेरा दिल टूट जाता, मेरा ये क्रिकेट से विश्वास उड़ जाता। यकीन करें हिंदुस्तान ने 9 मैच जीते थे, लेकिन अगर आज का मैच हार जाता तो मैं क्या जबरदस्त भाई, जबरदस्त भाई, अच्छा मैच जीता है भाई, अच्छा मैच जीता है यार। भाई अगर हिंदुस्तान आज का मैच हार जाता ना तो दिल बड़ा टूट जाता यार, लेकिन उम्मीद पूरी पूरी थी हिंदुस्तान की टीम पे, हमें यकीन है, भरोसा है। इसी भरोसे को लेकर दोस्तों हिंदुस्तान की टीम यहां तक पहुंची है, और ये देखो फाइनली 12 साल के बाद दोस्तों, इतना लंबा अरसा, इतने समय बाद जो है वो आज हिंदुस्तान की टीम फाइनल में निकली है, और मैन ऑफ द मैच जो है यहां पर मोहम्मद शमी को मिला है। उफ भाई, आज आज मेरे को लगता है मैं खुशी के मारे आज मेरी सांसें रुक जाएगी लोगों की सांसें गम के मारे रुकती है, मुझे लगता है आज खुशी के मारे मेरी सांसें रुक जाएगी। अरे नहीं भाई, सबकी सांसें रुकती है। इस मैच खेला है, कौन कौन सी चीज की तारीफ करें कोई शब्द नहीं मिलता, और आज का मैच उन सब लोगों के मुंह पे एक तप्पड़ है जो बोलते हैं ना कि ये मैच पिक्स है, ये हिंदुस्तान ने पिक्स करवाया है, वो पिक्स अगर पिक्स करवाया होता तो आज मैं भी कुछ देर पहले ही कह रहा था भाई मेरे मुंह पे थप्पड़ मत मार देना यार लेकिन मैं वो फिक्सिंग दूसरी बात कर रहा है ना, वो बात दूसरी कर रहा है पठान भाई, और मैं दूसरी बात कर रहा था, मैं तो एक डाउट बता रहा था कहीं जो सिराज ने फिक्स नहीं किया हुआ है ये डेरिल मछली इतना देर तक जो है वो खड़ा नहीं होता, इतना लंबा स्कोर लेके नहीं जाता वो आगे। अबे आज तो ऐसा लग रहा था काफी ज्यादा फैंस, मैं सिर्फ अकेला बंदा नहीं हूं जो मैंने जो है वो 42 ओवर पे जो है मैंने मैच देखना छोड़ दिया था कि भाई अब मैं नहीं देखूंगा। मेरे जैसे लाखों की तादाद में और भी लोग हैं जो इस स्टेज पे आके वो मैच नहीं देखते वही है, और यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन सारे मनहूस अपराधियों को 21 तोपों की सलामी है, और फाइनल में भी मत देखना गलती से भी, ठीक है आज तो कुछ जल्दी ही मैंने मैच देखना बंद कर दिया था, क्योंकि भाई मेरी धड़कनें तब से स्टार्ट हो गई थी जब विकेट नहीं आ रही थी,
और वो साला मछली फोर और सिक्स मारे जा रहा था। लेकिन भाई थैंक्स गॉड, क्या कम बैक किया है भाई, क्या कम बैक किया है हिंदुस्तान ने। कुलदीप यादव के दो ओवर ने दोस्तों, कुलदीप यादव के दो ओवर ने पूरा मैच चेंज कर दिया। और शामी ने भाई सब ने मिलके आज काफी ज्यादा मेहनत की और आज तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, राइट, मैं जो बात कर रहा था यहाँ पे, मैंने एक्चुअली ये वीडियो इसलिए नहीं दिखाया कि इसमें ऐसा मतलब क्रिकेट के अलावा और कुछ बात है या ऐसा, मतलब मैंने दिखाया दूसरे पर्पस से एक्चुअली, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब वो पर्पस ये है कि पहली बात कि पठान भाई यार, वी लव यू, भारत आपको बहुत प्यार करता है, एंड आई लव यू, यू आर ए गुड मैन, आप जहां पे भी हैं हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। और पता नहीं मेरा वीडियो आपको मिलेगा कि नहीं मिले, आपको भी देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे, बट यस जो है कभी अगर कभी मौका मिला तो आपके साथ कोलैबोरेट भी करूंगा, क्योंकि मुझे तो हंस-हंस के मेरा पेट दुखता है लेकिन मैं एक्चुअली जो मेरा मेन पर्पस जो इस वीडियो को दिखाने का था वो ये था कि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ इनफैक्ट जो भारत में रहते हैं लेकिन वो भारत की जीत पर खुश नहीं होते। और लेकिन ये जो है मैं कहूँगा कि भारत का सौभाग्य है या इसका भारत का गुड लक है कि भारत के बाहर जो है पठान भाई जैसे लोग भी हैं जो रहते बाहर है लेकिन भारत से प्यार करते हैं। और जिस हिसाब से मैंने देखा है कि ये बंदा पठान भाई हमारे जो बनाता है वीडियो ये प्रॉपर, और जितनी खुशी से बंदा ये बनाता है, ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होती। अगर आप कायदे से ध्यान से देखिए, जितने भी लोग हैं मैं बता सकता हूँ, डेटा स्टैट्स वगैरह शायद वो देख रहे थे साइड में, बट जो है पूरा सब ये स्क्रिप्टेड होता है। ये स्क्रिप्टेड मतलब स्क्रिप्टेड नहीं होता है, मेरा मतलब कि वो स्क्रिप्टेड नहीं रहता है। और इतने प्यार से इतने दिल से जो है जो बनाया जाता है वीडियो, ये दिल से आवाज़ आती है तब आदमी बनाता है, इसमें कोई बनावट नहीं रहती। मेरे ख्याल से जो हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं उन्हें ये चीज़ जो है पठान भाई से सीख लेनी चाहिए कि आप के लिए कोई कुछ करता है तो कैसे आप उसकी वैल्यू करते हैं, उसके साथ आप कैसे आप एक लॉयल रहते हैं, चाहे भले ही आप वहाँ ना रह रहे हो लेकिन आप लॉयल रहते हैं। मेरे ख्याल से अगर पठान भाई भारत में जाके भी रहें, वहाँ के भी उनको अगर सिटीजनशिप मिल जाए और रहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भारत के लिए एक एसेट ही साबित होंगे, एक अच्छे इंसान की। भारत को एक्चुअली एक अच्छे इंसानों की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय किसी और चीज़ के, ये मान के चलिए आप लोग। तो मेरा पर्पस जो था वो वीडियो यही दिखाने का था कि देखिए कैसे एक इंसान है जो उसकी टीम बाहर भी हो गई है तब भी वो इतना खुश है कि अब आप भारत के लिए खुश है, और जबकि यहीं पे भारत में ही लोग ऐसे हैं जो कि भारत के लिए इतने खुश नहीं होते। ऐसे भी ये लोग हैं जो भारत का झंडा लेके पैरों के नीचे कुचलते हैं, ऐसे लोग हैं जो भारत का झंडा झंडे की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब जैसे काफी खालिस्तानियों को ले लीजिए, इनकी रूट तो भारत से ही थी लेकिन गंद मचाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हैं, छोटे छोटे पाकिस्तान हैं जो इंडिया में बने हुए हैं वो हैं। तो शायद मेरे ख्याल से अगर लोग सीखें देखें तो कुछ जो है इससे एक अच्छा मैसेज मिल जाता है। मैंने जब भी पठान भाई की वीडियोज देखे हैं, मतलब जहाँ पे स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बैंड बजाते हैं पकड़ के, तो वो एक अलग लेवल है, मतलब वो भी दिल से ही आवाज आती है। वैसे तो वो भी कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, वैसा कोई भी इंसान, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वैसा स्क्रिप्ट करके कोई आदमी उस लेवल पे बजा नहीं सकता, वो दिल से आवाज आती है वो भी। मैंने एक बार पठान भाई का एक वीडियो और देखा था जिसमें वो दिखा रहे थे कि उनके बच्चे ने जो भारत का झंडा बनाया था उसको स्कूल में होमवर्क में बोला गया था, माने कि तो उसके दिमाग में वही चीज आई तो उसने वो चीज बना दी। वो बात सच्ची है क्योंकि बच्चे सब बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनके अंदर में कुछ
उनके अंदर मतलब कोई गलत चीजें नहीं होती अगर गलत चीजें आप भरे ना, तो वो देखते हैं और जो देखते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं वो वही करते हैं, और उस बच्चे ने भी वही बनाया था। तो मैं काफी समय से सोच रहा था जरा पठान भाई की किसी वीडियो पर एक रिएक्शन देता हूँ, और अगर पठान भाई को मेरा वीडियो कर कभी मिल जाता है देखते हैं तो पठान भाई आपको सलूट है, और हिंदुस्तान आपसे प्यार करता है, एंड आई कंसिडर यू ए फ्रेंड। तो कभी भी आपको मैं आपके साथ डिफरेंटली कोलैबोरेट करना चाहूँगा अगर कभी टाइम मिला तो। टाइम क्या मतलब जब भी कभी मौका लगा तो हम करेंगे इसे, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मतलब मेरे पास जो है वाकई में वर्ड्स नहीं है। मैं नॉर्मली इतना मौज मस्ती या जो आपकी वीडियोस होती हैं एकदम जोक्स भरी हुई वैसे वीडियो में उस टाइप की मेरी पर्सनालिटी नहीं है, तो मैं उस टाइप की वीडियोस नॉर्मली बना नहीं पाता हूँ। अगर मैं चाहूँ भी तो मैं नहीं बना सकता, सच बात यह है। और बट हाँ, जहाँ तक क्रिकेट की बात है, जहाँ तक आपका भारत के लिए जो प्यार है, मैं उसको सलाम करता हूँ, सैल्यूटेड आपके भारत के उस प्यार के लिए। 21 तोपों की सलामी आपको भी। आप खुश रहिए, आपकी फैमिली, आप सब लोग आबाद रहिए जहाँ पर भी हैं। तो कभी जिंदगी मुलाकात हो, जिंदगी ने चाहा तो हमारी मुलाकात भी होगी कभी ना कभी। दुनिया बहुत गोल है, तो नेवर से नेवर, और बनाते रहिए। हम सब लोग प्यार करते हैं, मैं भी वीडियो बनाता हूँ तो आपका वीडियो भी बीच में देखता रहता हूँ, थोड़ा सा मजा आता है। तो वो सूजी हुई थी तो उसको थोड़ा सुझाते रहिए जिसकी सुझानी है। एंड आई थिंक दिस इज इट गाइस, हम लोग जो है सेमीफाइनल जीत गए हैं और फाइनल भी जीतेंगे। अभी ये जीतने हैं, अभी तो मतलब काफी लोग तो ये वीडियो ये बना रहे हैं कि भारत हारेगा कैसे, इंडिया कैसे हारेगा। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सबको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार टॉप 5 बैट्समैन का जो एवरेज है वनडे का वो 50 प्लस है। तो मतलब ये कहने का एवरेज जिसका 50 प्लस हुआ मतलब वो हर गेम में 50 रन तो बनाता ही बनाता है, तब 250 रन तो खाली अगर ये बैट्समैन है टॉप 5 है यही बना देता है। तो मतलब अगर आप 250 मिनिमम आपको जीतना है तो मिनिमम 250 आपको इंडिया के अगेंस्ट मिनिमम बनाना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आपने थोड़ा और बना दिया तो वेल एंड गुड। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके बाद अभी बाकियों का जो टॉप 5 के बाद जो नीचे वाला जो ऑर्डर आता है, मिडिल ऑर्डर के बाद जो टेलेंडर्स आते हैं, उनका एवरेज अभी देखा नहीं गया है, ठीक है। तो उनका एवरेज अगर आप देखेंगे तो वो एवरेज भी मेरे ख्याल से एड अप होके जो है वो कम से कम 270-280 तक ले जाता है। तो मतलब अगर इंडिया को आज हराना है किसी भी टीम को तो मिनिमम आपको 270 से 280 तो मिनिमम बनाना है। उस वो मतलब आप कहिए वो आपको एक थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि वो एक थोड़ा सा फाइटिंग टोटल होगा। जब आप 300 के ऊपर जाते हैं इंडिया के अगेंस्ट आज की रेट में, तो फिर इंडिया कहेगा कि हाँ भाई थोड़ा है, चलो वर्क करना पड़ेगा। मतलब अगर इंडिया को आज आपको हराना है गारंटीड कि हाँ मतलब हरा ही देंगे एकदम से, तो मतलब 350 तो आपको बनाना पड़ेगा। 310-320 से तो इंडिया को आप हराने से रहे भूल जाइए, कोई नहीं हरा पाएगा अभी के डेट में। तो फाइनल में, और फाइनल में ऐसी कोई टीम नहीं जा रही जिसने अभी तक जो है 300 भी बनाया हो जहां तक मैं जानता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मुझे लगता नहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं बनाया हो, मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका ने बनाया। इनका तो जो टॉप ऑर्डर ही है वही स्ट्रगल कर रहा है, तो बाकी छोड़ दीजिए। कैम्बल वो जो था मैक्सवेल से जो उस दिन बना था 200 रन बना था, वो भी मेरे ख्याल से आई डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम, बट मतलब वो एक शानदार जबरदस्त बैटिंग कर गया था वो, बट वैसी परफॉर्मेंस हर बार नहीं होती आंख बंद करके, अनलेस यू आर रोहित शर्मा, ठीक है। तो उनके पास रोहित शर्मा भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से फाइनल जो एक बार फिर से फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में होने के बीच में होगा, और हम लोग नहीं देखेंगे फाइनल को, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। जितने पनौती और ये मनहूस लोग हो सब लोग बंद करके टीवी बंद रखना, कोई नहीं देखेगा, मैं भी नहीं देखूंगा, बस दूर से ही अपना जो पूजा वूजा करनी लड्डू उड्डू चढ़ा लेना जाके, ठीक है। तो चलिए वालो, अभी के लिए इतना ही, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा। एंड देन लाइक एंड सब्सक्राइब, हम लोग बाद में
फिर बात करते हैं। मैं भी एक मस्त जो है क्रिकेट पर ही एक और वीडियो बना रहा हूँ, उस पर मैं जल्दी ही आता हूँ, थोड़ा सा रिसर्च करनी है, तो अगले वीडियो में शायद वही आएगा। ऑलराइट, अंटिल देन टेक केयर।